is DJ Akela King, Salarpur Ahir, Rajasthan. भी डीजे आ रहे हैं, बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कोई दुखी नहीं रहा है अकेला किंग सलारपुर अहीर के पास। जबरदस्त क्राउड, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे पब्लिक यहां पर बढ़ती जा रही है, गजब की पब्लिक, और पीछे तक जा जाओ तो पूरी पब्लिक ही पब्लिक है। बाबा मोहन राम की जय, मन काली थाली वाला की जय। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं झंडा यात्रा होती है, ये मोस्टली झंडा यात्रा होती है, और झंडा जो होता है वो कल धुलैंडी वाले दिन जिस दिन रंग होता है उस दिन चढ़ता है मंदिर पर। तो बाबा मोहन राम जो खाली वाले हैं उनके पास जाएगी ये यात्रा, और कल झंडा चढ़ेगा, आज डीजे यात्रा जाएगी। तो मंदिर से यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मंदिर से चलिए जयकारा लगा लो बाबा का। और दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात बताऊं तो बाहर तो अकेला किंग खड़ा ही खड़ा है, इन लोगों ने यहाँ गली में से निकालने के लिए एक छोटा डीजे सेटअप और क्या हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देख क्राउड, पब्लिक का क्राउड, जबरदस्त क्राउड, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे पब्लिक यहाँ पर बढ़ती जा रही है, गजब की पब्लिक, और पीछे तक जा जाओ तो पूरी पब्लिक ही पब्लिक है। इधर की बात करूं तो इधर लेडीज डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, अकेला किंग आ गया दारुण भाई।
भाई अशोक आ जाओ ना। तालियां तो बजा दो भाई, बोल शंकर भगवान की जय, बोल बाबा मोहन राम की जय, बोल काली थोड़ी वाला की जय। दोस्तों सोचा था तो बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, बहुत ही अच्छा ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, लेकिन कोई लगा ही नहीं रहा। जितने भी डीजे आ रहे हैं बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, कोई रुक ही नहीं रहा है अकेला किंग सलारपुर अहीर के पास। बड़ी मायूसी हाथ लग रही है यार हमें तो, कंपटीशन हो तो मजा सा भी आ रहा है। सलारपुर अहीर राजस्थान। यहाँ पर हो रहा होलिका दहन, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि ये रास्ते में मिली है, तो यहाँ पर हो रहा होलिका दहन। आग लग चुकी है और एंड की तरफ चल रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक होली आखिर हमारे मिल ही गई, एक होली जलती हुई यहाँ पर देख सकते हैं उस सभी। तो यहाँ पर होलिका दहन हो चुका है और जैसे मैं बता रहा हूँ कि सभी लोग जो ये गेहूं की बालियां होती हैं इनको भूनते हैं, तो यहाँ पर चारों तरफ को आप देख रहे हैं पब्लिक का क्राउड देख सकते हैं कि सभी लोग उन्हीं बालियों को यहाँ पर भून रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने भून भून के हम उनको ले जा सकते हैं। देख सकते हैं अगर मैं दिखाऊं तो ये भून ली इन लोगों ने और ये सब लोग यहाँ पर भून रहे हैं। आँच बहुत तेज लग रही है, होली की आँच बहुत तेज, और जो होली है ये दिखाई दे रही है काफ़ी ऊँची होली बनाई गई थी जो
तो इसका एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूँ तो काफी चौड़ी है और काफी दूर तक, यानी काफी ऊंची बनी हुई, तो बहुत चौड़ी है। इतनी चौड़ी आजकल बनती नहीं है, हमारे मेरठ में तो दिखती नहीं, अगर मैं बताऊँ तो हमारे मेरठ में इतनी चौड़ी नहीं दिखाई देती है। चलते हैं दोस्तों, हमारा डीजे आगे बढ़ गया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं।